हेलो बच्चा लोग, जेई एडवांस PYQ केमिकल काइनेटिक्स इस बारी 2020 का क्वेश्चन करेंगे। 20 देखते साथ कोविड याद आता है कि ज़रूर उसमें थोड़ा आसान रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एडवांस वालों को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो वो हर तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। तो 22 भी ये जो क्वेश्चन है अपना 2020 का है ना, तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, ऑर्गेनिक का थोड़ा सा एक नॉलेज यूज़ कर रहा है। कौन सा नॉलेज? एक तो यहाँ पे देखना चाहिए कि सब्सटीट्यूशन हो रहा है, बी आर गायब ओ एच अंदर, और यहाँ पे बी आर माइनस बाहर जाता है ना, तो इनको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये अपना है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का जो ऑर्डर होता है वो दो तरह के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन SN2 और SN1। SN2 का ऑर्डर होता है 2, SN1 का ऑर्डर होता है 1। तो ये जानकारी को यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। पहले आपको समझना पड़ेगा SN2 है कि SN1। तो सिंपल सा बात ये है, बहुत टफ चीज़ें यूज़ नहीं हो रहा है, कि SN1 3 डिग्री में होने के चांस होते हैं ज़्यादा, और SN2 1 डिग्री में चांस होते हैं। 2 डिग्री में वेरियस अदर फैक्टर्स है जिसको जो गवर्न करता है SN1 होगा कि SN2। बट यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो 3 डिग्री कार्बन में क्या लगता है कौन सा हुआ होगा? SN1 क्लियर कट विनर है, SN1, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में हम लोग को अगर पता चल गया कि SN1 है, तो इससे हमें पता चल जाएगा ऑर्डर क्या है, 1 रहा है, क्लियर? और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब ऑर्डर अगर 1 रहा है तो आगे का बात शुरू होगा कि भाई टी हाफ क्या होगा। तो हम लोग को पता है ऑर्डर हाफ का, सॉरी, ऑर्डर 1 में क्या होता है कि हाफ लाइफ जो है बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है किस पे, किस पे? कंसंट्रेशन पे। तो क्या ए ऑप्शन देखते साथ चमक गया कि टी हाफ कांस्टेंट है? देखिए, पी नॉट कुछ भी हो जा रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो जा रहा है, या पी कुछ भी हो जा रहा है कंसंट्रेशन, टी हाफ हमेशा सेम रहता है। तो ऐसा तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, किसमें टी हाफ जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, वो हर बार आधा होने का टाइम उतना ही होता है। तो ये फर्स्ट वाला देखते साथ करेक्ट हो गया, ठीक है? इनिशियल रेट बाय पी नॉट, तो इनिशियल रेट ऐसा बोल रहा है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो भाई पी नॉट पे डिपेंड करेगा कि नहीं? रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या इंडिपेंडेंट ऑफ पी नॉट थोड़ी है रेट? कोई भी जो भी कंसंट्रेशन यहाँ पुट करेंगे टू द पावर 1, अगर यहाँ 2 मोलर है तो 2 के आंसर आएगा रेट का, अगर 3 मोलर है तो 3 के आएगा, तो रेट तो चेंज होगा ना, ऐसे कैसे चेंज है? तो इनिशियल रेट हो चाहे कुछ भी हो, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे 5 रहा, यहाँ पे 10 रहा, यहाँ पे 15 रहा, तो अलग अलग फूट करेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा रेट का, तो गलत है। क्यू बाई पी नॉट वर्सेज टाइम, तो ये भी गलत है। प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द टाइम। तो पॉइंट ये है, क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो इतना टाइम पास करना ही नहीं है, अपने को क्लियर पता चल गया है कि भाई फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, ठीक है? और किसी को और थोड़ा समझना है क्यू बाई पी नॉट वाला, तो वो भी समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्यू बाई पी नॉट क्या है? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को बोल रहे हैं फिक्स कर देते हैं, पी नॉट ही रखते हैं, पी बोलना चाहिए था ना अगर चेंज करना है तो, पी नॉट मतलब फिक्स नंबर है। अब प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या होता है? टाइम के साथ इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन, बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि शुरू में प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, और विद टाइम रेट ऑफ रिएक्शन घटता है। ये तो सबके लिए ट्रू था ना, क्योंकि शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन बहुत रहता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली ऐसा ही जाता है ऑलमोस्ट सबके लिए, है ना? तो शुरू में ये बड़ा नंबर आएगा, है ना, प्रोडक्ट का इंक्रीज ज़्यादा दिखेगा, और बाद में इंक्रीज कम दिखने लगेगा, टाइम बढ़ते रहेगा फिर भी ये बढ़ेगा नहीं। तो ये ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है टाइम बढ़ रहा है, अगर इसको अगर गौर से देखें तो इसमें तो उल्टा हो रहा है कि टाइम बढ़ रहा है और ये वाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना थोड़ी वाई बढ़ सकता है, एक टाइम के बाद तो वाई बढ़ना, प्रोडक्ट बनना ही बंद हो जाएगा, ऑलमोस्ट स्लो हो जाएगा। तो ये ग्राफ उल्टा होना चाहिए, अगर होना भी चाहिए तो ऐसे करके ये जाके फ्लैट हो जाना चाहिए एक टाइम के बाद, कि भाई एक टाइम के बाद प्रोडक्ट ज़्यादा बनता ही नहीं है, टाइम कितना भी चेंज कर लो, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि विद टाइम हर बार उतना ही बढ़ते जा रहा है प्रोडक्ट। तो ये भी अपने नॉलेज में था, तो इस क्वेश्चन से बाकी ऑप्शंस को भी अपन सीख सकते हैं। अदरवाइज आंसर निकालना आसान था, आसान मतलब बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर ऑर्डर 1 पता चल गया तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है? आई होप सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो गए हैं।
चलिए, धन्यवाद, बाय एवरीबॉडी।